बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। बांदा विधानसभा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को डिप्टी सीएम कर रहे संबोधित, जिसके बाद खत्री, पहाड़, गिरवा, शेरपुर आदि कस्बों और गांवों में जाकर आयोजित बूथ सम्मेलन का करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे बांदा। डिप्टी सीएम ने अपने संबोधित में सरकार की योजनाओं का किया बखान। वही डिप्टी सीएम ने चुनाव में 405 से जीत का बताया आंकड़ा। वहीं बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर केशव मौर्य ने जाना चुनावी हालचाल। डिप्टी सीएम को लेकर बांदा प्रशासन पूरी तरह से मौजूद रहा। पार्टी गठबंधन जीत रहा है। देश में 400 पार का जो नारा है, दो चरण के चुनाव में हमारे लक्ष्य से 15% आगे बढ़ रहा है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनकी हालत खराब है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह तीनों दल ICU में पड़े हुए हैं। जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। जब सपा बसपा गठबंधन करके 2024 में भाजपा का विजय रथ नहीं रोक पाए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, तो ये आप तो खंड खंड विखंड हैं और जनता मोदी जी के साथ है। भाजपा गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों की, बुजुर्गों की पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस गुंडे, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारियों की पार्टी। तो मैं इसीलिए कह दिया जब एक साथ मिलके लड़े तब कमल खिलने से नहीं रोक पाए। आप तो अलग अलग लड़ रहे हैं, आप कैसे कमल खिलने से रोक पाएंगे। धन्यवाद।